हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं फिलिप्स के 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग। एंड दोस्तों यार ये मॉडल भी काफ़ी बेस्ट है, साउंड आउटपुट हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। वैसे दोस्तों इस पर हमें 60 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है, सो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है फिलिप्स MS2260B। दोस्तों अभी मैं आपको इसकी MRP बता देता हूं। वैसे अगर आपको इस मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप PC मीडिया से परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में PC का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। सो यार मैं आपको MRP बता देता हूं। दोस्तों इसकी MRP है अभी 8500 रुपीज, बट दोस्तों आपको MRP में ये मॉडल नहीं मिलेगा। आप PC मीडिया को एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एंड आपको वहां पे बेस्ट से बेस्ट डील पर ये मॉडल मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको फिलिप्स का कोई और मॉडल भी परचेस करना होगा तो आपको वहां पे सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। सो जरूर से आप परचेस कर सकते हैं विद ग्रेट प्राइस। दोस्तों यार देखते हैं कि इस मॉडल पर कितनी बढ़िया साउंड क्वालिटी हमें मिलती है। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा फिलिप्स MS2260B 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर का बॉक्स। एंड देख लीजिए दोस्तों बॉक्स पर 6000 वॉट्स PMPO के बारे में मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है। साथ में दोस्तों USB SD कार्ड एंड FM के बारे में भी हमें मेंशन करा हुआ इस पर मिल जाता है। सो दोस्तों फटाफट से पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर हर एक चीज को आपको डिटेल पे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों बॉक्स हमारा ओपन हो गया है एंड हमें एक पैकेट मिल जाता है। देख लेते हैं दोस्तों इसे ओपन करके इसके अंदर हमें क्या क्या सामान मिलता है। इस पर हमें यूज़र मैनुअल मिल जाती है, RCA 3.5 mm केबल भी मिल जाती है, साथ में दोस्तों हमें FM एंटीना केबल भी मिल जाती है। दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। फटाफट से इसे अनरैप करते हैं एंड आपको डिटेल पे दिखाते हैं। देख लीजिए दोस्तों रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी हम अपने सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों हम बेस को एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही, एंड हमें इक्वलाइजर भी मिल जाता है। सो हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही। बाकी दोस्तों यार मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आपको डिटेल में पता लग जाएगा। एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यार रिमोट कंट्रोल की बिल्ड क्वालिटी हमें एवरेज मिल जाती है। बाकी दोस्तों यार हमें बैटरीज भी रिमोट कंट्रोल पर लगानी पड़ेगी अलग से परचेस करके, बॉक्स के अंदर हमें नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों अब अपने सैटेलाइट स्पीकर्स को अनरैप करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ही सैटेलाइट स्पीकर को डिटेल पे दिखाऊंगा क्योंकि दूसरे वाले की क्वालिटी भी हमें सेम मिलती है। तो देखिए यार दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा हमें मिल जाता है, वैसे डिज़ाइन में काफ़ी बढ़िया हमें लग रहा है। दोस्तों इस पर हमें 3 इंच का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है जो कि 15 वॉट्स RMS का है। नीचे से देख लीजिए फिलिप्स की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। दोस्तों दूसरे सैटेलाइट स्पीकर पर भी हमें 3 इंच का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है एंड उस पर भी हमें 15 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। बाकी दोस्तों यार इस पर हमें वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है, हमें वॉल माउंट का ऑप्शन मिलना चाहिए था। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों स्पीकर की हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, आपको पसंद आएगी। एंड नीचे से देख लीजिए रबर पैडिंग भी हमें लगी हुई इस पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब थर्माकोल को हटाते हैं एंड आपको मेन यूनिट यानी कि सबवूफर को अनरैप करके डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सबवूफर को भी पूरा अनरैप कर दिया है। दोस्तों यार इसका जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ऑसम है इसका डिज़ाइन। चलिए अब हम आपको इसे पूरे डिटेल में दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें फ्रंट साइड पर LED डिस्प्ले मिल जाता है, जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। एंड देख लीजिए दोस्तों बीच में हमें वॉल्यूम रॉकर यानी कि नोब मिल जाती है, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड हमें देख लीजिए बटन्स भी मिल जाते हैं जैसे कि पावर ऑन ऑफ का बटन, प्ले पॉज का बटन, मोड का बटन, प्रीवियस एंड नेक्स्ट के बटन हमें मिल जाते हैं। नीचे से हमें फिलिप्स की ब्रांडिंग भी इस पर मिल जाती है। दोस्तों इस साइड से देख लीजिए हमें USB पोर्ट मिल जाता है, SD कार्ड स्लॉट मिलता है। एंड दोस्तों इस पर हमें 6.5 इंच का बेस ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है जो कि दोस्तों 30 वॉट्स RMS के साउंड आउटपुट के साथ आता है। तो देखिए दोस्तों इस पर हमें इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं ऑडियो के लिए, CD के लिए, FM एंटीना पोर्ट भी हमें मिल जाता है। एंड नीचे से देख लीजिए हमें आउटपुट पोर्ट मिल जाते हैं एंड हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। दोस्तों इस साइड से देख लीजिए हमें बेस रिफ्लेक्स सिस्टम मिल जाता है यानी कि होल जहां से एयर पास होगी। एंड दोस्तों इस पर हमें प्रोटेक्शन लगा हुआ भी मिल जाता है। बाकी दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, पूरा वुडन का कैबिनेट हमें इस पर मिलता है। एंड नीचे से देख लीजिए हमें रबर पैडिंग भी लगी हुई इस पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब इसे पावर ऑन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम आपको इस पर मोड दिखा देते हैं, कौन कौन से मोड हमें मिल जाते हैं। देख लीजिए ब्लूटूथ, ऑक्स, CD, USB, FM एंड ब्लूटूथ।
तो दोस्तों ये सारे मोड्स हमें इस पर मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसकी मैक्स वॉल्यूम दिखा देते हैं। इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। अब हम आपको इसके बेस को एडजस्ट करके दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों इसके बेस को भी हम 30 तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो यार ये चीज़ भी हमें काफ़ी बढ़िया लगी है। दोस्तों इस पर हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर भी मिल जाता है, तो यार ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि यार हम अपने साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको जब मैंने रिमोट कंट्रोल को डिटेल पे दिखाया था तब मैंने आपको बता दिया था कि यार हम इसके रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको इस मॉडल का डिटेल पे साउंड टेस्ट दे देंगे, सो आप डिटेल पे सुन लीजिएगा। एंड प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का एग्जैक्ट में पता लग पाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको क्लियर पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें कितना बढ़िया साउंड आउटपुट मिल जाता है। सो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएगा आपको इस मॉडल की साउंड क्वालिटी कैसी लगी। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार आप ये मत समझिएगा कि यार मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में ही कैसे डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो दे दिया। दोस्तों इस मॉडल की मैंने जो वीडियो है वो काफ़ी मतलब टेस्टिंग के बाद बनाई है। मैंने ऐसा नहीं है कि यार सीधे अनबॉक्स करा एंड सीधे साउंड डेमो दे दिया एंड फुल एंड फाइनल आंसर आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। मैंने इसे बहुत डिटेल में टेस्ट कराया एंड उसके बाद ही मैंने इसकी वीडियो दी है, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लग रहा था कि यार इसका डिटेल पे एक साउंड टेस्ट वीडियो अलग से बनाना चाहिए। सो इसी वजह से दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको इस मॉडल का डिटेल पे साउंड डेमो दे दिया है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना होगा और इसके बारे में तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपको बताता हूँ। दोस्तों यार मुझे साउंड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी बढ़िया लगी है, बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्लियरिटी, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट हर एक चीज़ हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बट दोस्तों यार मुझे लाउडनेस में थोड़ी सी कमी लगी है। मतलब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यार बिल्कुल ही ख़त्म लाउडनेस हमें मिलती है, ऐसा नहीं है, एक डिसेंट लाउडनेस हमें मिल जाती है। बाकी दोस्तों यार हर एक चीज़ में मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा है। सो आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।